चमोली जिले से खबर है जहां गैरसैंण ब्लॉक के आदि बदरी खेती और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। यहां कृषि और उद्यान विभाग की ओर से जहां गांव में मशरूम शेड का निर्माण शुरू कर दिया है, वहीं काश्तकारों को कंपोस्ट वितरण के साथ ही क्षेत्र के 10 काश्तकारों को प्रशिक्षण के लिए हरिद्वार भेजा गया है। योजना का उद्देश्य जनपद में मशरूम उत्पादन बढ़ाना और प्रशिक्षण के लिए बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना है। बता दें कि काश्तकारों की ओर से फसलों को वन्य जीवों द्वारा नुकसान पहुंचाने की शिकायत को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। देखिए, गैरसैंण ब्लॉक को क्योंकि वहां पे खेती में काफी जंगली जानवरों के द्वारा नुकसान किया जाता है फसलों का, तो ये निर्णय लिया गया था कि उनको मशरूम की ट्रेनिंग करवाते हुए जिला योजना के माध्यम से 8 ऐसे हट्स तैयार किए जाएंगे जिनमें वो मशरूम की खेती कर सकेंगे। और अभी हमारे 28 काश्तकार हरिद्वार गए हैं मशरूम की ट्रेनिंग लेने के लिए, और ये सभी महिलाएं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं। तो गैरसैंण के 3 गांव हमने चिन्हित किए हैं जहां पे हम ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और भविष्य में इसको मशरूम रूट के रूप में गैरसैंण से कंप्रयाग तक विकसित करने की योजना है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, और ये जो पायलट प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा ये एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे ज़िले के अन्य काश्तकार भी प्रेरित होंगे और यहीं पे उनको एक ट्रेनिंग का अवसर भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये स्वरोजगार के दिशा में एक अहम कदम इस ज़िले के लिए रहेगा।